ढेर सारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। देश में यह तीसरी लहर चल रही है अभी कोरोना की, लेकिन दिल्ली में यह पांचवी लहर है। और सबसे ज्यादा कोरोना की मार दिल्ली वालों ने झेली है, क्योंकि कोरोना का यह वायरस अपने देश का वायरस तो है नहीं, बाहर से आया और बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स सबसे ज्यादा दिल्ली आती हैं। तो जब भी कोई नया वेरिएंट आता है, जब भी सबसे पहले कोरोना वायरस आया, सबसे पहले दिल्ली में आया और दिल्ली के लोगों ने इसके सबसे ज्यादा मार झेली। लेकिन दिल्ली के लोगों, दिल्ली के ऑफिसर्स ने, दिल्ली के डॉक्टर्स ने जितने अच्छे तरीके से इस पूरी कोरोना महामारी को निपटा है, दिल्ली की जनता ने जिस अनुशासन के साथ, जिस धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसका सामना किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आज हम पांचवी लहर से जूझ रहे हैं। ओमिक्रॉन की यह लहर बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, लेकिन थोड़ी माइल्ड बताई जाती है। 13 जनवरी को लगभग 29,000 के करीब केसेस आए थे, 29,000। जो हमारी सेकेंड वेव आई थी उसमें भी लगभग मैक्सिमम केसेस इतने ही आए थे, लेकिन जब 29,000 केस भी थे तब भी हमारे दिल्ली में बेड जो है 2,500 से 3,000 बेड भरे हुए थे। अभी 15 तारीख को मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट आया था लगभग 30% के करीब। आज की डेट में, आज जो आंकड़े आए हैं, 15 तारीख को 30% पॉजिटिविटी रेट था, 10 दिन के बाद आज 25 तारीख को यह घट के लगभग 10-10.5 के करीब रह गया है, 20% पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। उसी तरह से केसेस में भी काफी कमी आ रही है। ये एक इस वक्त इस बात का भी नतीजा है कि ओमिक्रॉन वेव जो है वो बड़ी माइल्ड है। दूसरा, जिस वॉर मिशन के तहत दिल्ली में वैक्सीनेशन किया गया, अगर वैक्सीनेशन किया जाए तो कोरोना का असर थोड़ा कम होता है, माइल्ड होता है। आज हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑफिसर्स सबने मिलकर वैक्सीनेशन में शानदार काम किया है। 100% पूरी दिल्ली को फर्स्ट डोज लग चुकी है, लगभग 82% लोगों को, 82% के करीब लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। मुझे लगता है ये शायद पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में भी शायद रिकॉर्ड है। 82% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है और अब बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। कोरोना जब भी बढ़ता है हम लोगों को कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, लेकिन आप ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम उतनी पाबंदी लगाते हैं जितनी जरूरत होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी रोजी रोटी खराब हो, हम नहीं चाहते कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी भी तरह की बाधा आए, पर आपकी जान जरूरी है ना, आपकी सेहत जरूरी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पाबंदियां लगानी पड़ती है। पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ व्यापारी आए, उन्होंने सबने कहा कि जो ऑर्डिनेंस जो कर रखा है, वीकेंड कर्फ्यू कर रखा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने कहा जैसे ही हो सकेगा हम इसको खोलेंगे। हमने एलजी साहब के पास कुछ प्रस्ताव भेजे, उनमें कुछ प्रस्ताव एलजी साहब ने माने और कुछ प्रस्ताव उन्होंने डेफर कर दिए।
मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एलजी साहब से नाराजगी जाहिर की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। हम सब लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने में मजे नहीं आते, हम क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। हम सब मिलके, मैं, एलजी साहब, हम सब मिलके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी, हम इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे, आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा सुचारू रूप से आपकी जिंदगी चले, इसकी हमें पूरा प्रयास रहेगा। आज गणतंत्र दिवस है, पवित्र दिन है। आज के दिन हमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद आती है। आज के दिन जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी, उन सब लोगों को हम याद करते हैं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को, उसके शौर्य को, उसको कम नहीं आंका जा सकता। हर एक ने अपने अपने स्तर के ऊपर खूब कुर्बानियां दी, खूब संघर्ष किया, लेकिन दो महानुभाव, दो स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। मैं समझता हूं कि वो शायद बाकी सब में एक हीरे की तरह चमकते हैं। वो दोनों हैं, एक है बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे हैं शहीद आजम भगत सिंह। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों की मंजिल एक थी, दोनों के सपने एक थे। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया। आइंस्टाइन ने एक बार महात्मा गांधी के लिए एक लाइन बोली थी। आइंस्टाइन ने कहा था, जनरेशंस टू कम विल स्केयर्स बिलीव दैट सच अ मैन एज दिस वन एवर इन फ्लेश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हार्ड मास में इस पृथ्वी पे कभी पैदा हुआ था, इस पृथ्वी पे कभी चला था। मैं जितना ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता हूं, उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ता हूं, उतना ज्यादा मुझे लगता है कि यही लाइन आइंस्टाइन की पूरी तरह से बाबा साहब अंबेडकर पे भी लागू होती है। जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति कभी पैदा हुआ था और इस किस्म का संघर्ष कर सकता था, ऐसा कभी काम कर सकता था। 1891 में पैदा हुए, महार जाति में। महार जाति को उन दिनों में अछूत माना जाता था। उनके घर में खाने को नहीं था, बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब। स्कूल जाते थे, क्लास में नहीं बैठने देते थे, क्लास के बाहर बिठाते थे, पानी नहीं पीने देते उसे घड़े, ऊपर से पानी उनको डाला जाता था। वो शख्स जिसके घर में कुछ भी नहीं था खाने को, वो शख्स जिसने कदम कदम पे छुआछूत को बर्दाश्त किया, युवा बनने के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 1914-15 के आसपास की बात है, जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैं 1914-15 मतलब आज से 100 साल पहले, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि उन्होंने फॉर्म भी कैसे मंगाए होंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अप्लाई भी कैसे करा होगा। उनको पहली बात तो ऐसा बच्चा जो इतने गरीब और पिछड़े बैकग्राउंड से आता है, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम भी कैसे सुना होगा, मैं तो ये सोच सोच के अचंभित रह जाता हूं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, वहां से पीएचडी करी, वहां से पीएचडी करने के बाद फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं, वहां से दूसरी पीएचडी करते हैं।
आज की डेट में, आज के युग में, इंटरनेट के जमाने में, इतनी सुविधाओं के बावजूद हमारे अपने बच्चे, इतने सारे अफसर बैठे हैं यहाँ पे, इतने हमारे अपने बच्चे आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन अगर लेना चाहे तो कोई आसान बात नहीं है। आज से 100 साल पहले 1916 में जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और पैसे जेब में ढेला नहीं है उनके, जेब में चवन्नी नहीं है उनके, और वहां जाके पढ़ रहे हैं, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते पढ़ते उनके पैसे खत्म हो गए, बीच में छोड़ के आना पड़ा, और जब वापस आए फिर पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा कमाया, इधर उधर पैसे इकट्ठे करके वापस अपनी डिग्री पूरी करने जाते हैं और फिर देश का संविधान लिखते हैं और देश के पहले कानून मंत्री बनते हैं। गजब का इंसान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, पहली चीज तो यह कि उनकी जिंदगी से एक सीख तो यह मिलती है कि सपने देखो, देश के लिए सपने देखो, तरक्की के सपने देखो, बड़े सपने देखो, छोटे मोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो, देश के लिए सपने देखो, तरक्की के सपने देखो, विकास के सपने देखो, सबके लिए सपने देखो, इस कायनात की सारी शक्तियां उसके बाद आपकी मदद करने चलती हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।